गाइस देखो, ये रोजा उतार रही है खड़े खड़े। तो फाइनली गाइस देखिए, बज चुके हैं रात के 2:30। तो गाइस बताइए मैं कौन सी खाऊं? थोड़ी सी वाली खाई मैंने, थोड़ी सी वाली खाई यहाँ से, थोड़ी सी वाली यहाँ से खाई। तेरी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। और कुछ और जल्दी पार्लर जाना है, तो इसलिए आज हम 9 बजे, 9:30 मैं तो 9:30 उठी हूँ, पर कमर 9 बजे उठी है। कमर उठ के देखो क्या क्या काम, तैयारी कर ली और मैं फिर मैं उठ के अब सिर्फ क्या कर रही हूँ। कमर ने बोला मसाला पीसा, परमल काट लिया, चावल बना लिए, दूध गर्म कर लिया और मेरा शेक तैयार कर दिया। और मैं उठी हूँ तो सिर्फ मैंने रोटी बनाई है, आप देख सकते हो, मैंने आटा गूंदा है, मैं रोटी बना रही हूँ। अब फटाफट से हम मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर सब्जी चढ़ाऊंगी, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है गाइज? फिर क्योंकि हम फिर रेडी होकर जल्दी से मिलेंगे, क्योंकि आज भी पार्लर जल्दी जाना है, क्योंकि आज कौन सा दिन है, आज को आज ट्यूजडे है। मिलते हैं अभी आपसे, पहले देखेंगे मैं, डेट देखूंगी फिर बताऊंगी आप लोगों को, पहले मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो गाइज हम हो चुके हैं पार्लर के लिए रेडी, और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था, आपको तो पता ही है। तो अब हमने ज़्यादा कुछ दिखाया भी नहीं क्योंकि हम लेट हो रहे थे, और अब भी देखो करते करते भी 1 बज गया, क्योंकि आज के दिन में हमें जल्दी जाना था। तो गाइज मैंने तो ये येलो सूट और ब्लैक, ये वाला ब्लैक सलवार लगाई है, मैं कितना कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? ना सुन दो, मेरी दाढ़ी लग रही है ना, ये मार्क्स बड़ा फेंक लूँ तो एक एक मार्क्स, मेरी दाढ़ी सी लग रही है ना, जो मैंने दाढ़ी पर लगा ली बना ली मेरी, है ना? चलो गाइज, तो मैं बर्फ निकाल रही हूँ, आज से हम गंदा पानी पीना स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे भी तबीयत खराब रहती है हमारी, गला गंदा गंदा रहता है, पर कम को समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं मत समझने दो। चलो हम चल रहे हैं, बर्फ लेकर ठंडा पानी पियेंगे, और तबीयत खराब करनी है ना इसलिए, ठीक है? गाइस देखिए, दरवाजा खोलने का टाइम हो रहा है, और दुकान पे अभी एक क्लाइंट है, और बहुत सारे क्लाइंट जा चुके हैं, और अब माशाल्लाह रोज़ा खोल खोल के हमारे पास क्लाइंट आएंगे। और ये नलगी बैठी हुई है, दुपट्टा उड़ गया, मेरी कमवा काम कर रही है, तो शर्म नहीं आ रही जरा सी भी, काम मेरी कमवा काम कर रही है और ये खुद बैठी हुई है, इसने उधर ही मुकल लिया, सोचा मैं मारूंगी मारूंगी नहीं। दिखा ना शक्ल, क्या हुआ शक्ल, दिखा शक्ल, दिखा जी भाई, मेरी लंबी तरह बैठी हुई है, मेरी कमर काम कर रही है, इसका देखो मस्ता, इतना मोटा मस्ता इसको मिलता है, देखिए गाइस देखो, रोजे में ऐसी हालत हो जाती है, इसलिए गाइस मैं रोजा नहीं रखती। गाइस हमने अनमता का, अशोक गुप्ता का रोजा है, ये वाली अनमता ही है, अशोक गुप्ता बाहर जो बैठी थी उसको, हम दोनों को रोजा है कि नल्ली ने रोजा नहीं रखा हुआ, गाय सोच रही मैंने भी तो नहीं रखा हुआ। तो गाय तो मेरे तो आपको तो पता है, मैं तो दवाई चली थी, मैं नहीं रखती रोजा, चलो पर मैंने रखा नहीं इस बार, चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार जरूर रोजा, अगली बार पूरे 30 के 30 रखती हूँ मैं, हाँ अगली बार इंशाल्लाह, पिछली बार तो नहीं रखा, अगली बार मुँह बंद कर ना। तो गाय मैंने पकौड़ियाँ मंगाई थी इन लोगों के लिए अलग, ये रखी, ये रखी इन लोगों के लिए, रोजदार के लिए पकौड़ियाँ मंगाई, रोजदार की पकौड़ियों में से देखा उनके बड़े अच्छे खुशबू सी आ रही थी, तो मैंने फिर अपने लिए मंगा ली, मैंने मैं भी खाऊंगी, तो ना छोटे ना आप 15 से 20 मिनट है रोज़ा खुलने में, तो छोटे नगमा कहते छोटे नगमा कह रही अभी मत खाओ, अजान होने वाली है, रोज़ा खुलने वाला है तभी खा लेना, मैंने बोला मैं अजान होने वाली है 15-20 मिनट है, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, थोड़ा सा तो खा लूँ, तो मैंने खा लिया, इसके मुंह में पानी आया, ये मुझसे कह रही और ये भी मुझसे मांग रही कह रही 15 से 20 मिनट है मुझे भी दे ही दो तुम, अब बताओ इसकी जवान देखो गाइस फेल हो गई नहीं हो गई, ये मुझसे मांग रही कि मुझे दे दो ले आप, आपको मैंने बोला ब्लॉग में गाइस को बता दूँ, तो कह रही मैंने ले ली, मैंने खा ली, खा लिया, हाँ खा लिया, क्या हुआ मैं बोल ठीक किया, चलिए गाइस जब रोजा खुलेगा ना तो मैं लड़की को दिखाऊंगी अवतार करते हुए, अरे मुझे अवतार करते हुए तुमने देख लिया ना नगमा जी, गाइस देखो ये रोजा अवतार रही है खड़े खड़े, मैं तो बैठा हुआ था अभी अभी खड़ा हूँ, कमा भी रोजा खोल लिया, कमा का भी रोजा खुल गया,
मैं तो पूरे 32 चल गया। जैसे तुम्हारे 32 कैसे तुम्हारे क्यों नहीं समझ पाई हो? मेरे तो पूरे 35 चल रहे हैं। आपने 3 छोड़ दिए। फाइनली गाइस देखिए बज चुके हैं रात के 2:30 और नगमा कर रही है काम। हमारा पार्लर खुला हुआ है अभी तक। तो फाइनली गाइस बज चुके हैं रात के 3 बज रहे हैं, देखिए आप घड़ी 3 बज रहे और हम आ चुके हैं घर। और हम घर आके देखो क्या कर रहे हैं। गाइस देखो नगमा खाना खा रही है, खाना डाल रही है। मैंने इससे बोला था मैं ऑर्डर कर दूं आज भी, तो इसने मुझे मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं, रोज रोज बाहर का खाने से पेट खराब हो जाता है। क्यों भाई ये जो है वो ही खा लो, 3 तो बज ही गए हैं। और दूसरा खाना आएगा तो, और बाहर का खाना सही भी नहीं होता, पेट में पेट खराब हो जाएगा। तो मैं नहीं, जो है वही खा लो बचा हुआ खाना। तो जो है खाना गाइस हम वही खा रहे हैं। दुकान में पराठे वगैरह मंगाए थे लड़कियों के लिए, तो सैंडविच के लिए भी एक पराठा लिया है। सैंडविच पराठे खा रहे हैं। खाना खा लिया? पराठा तो खा। सबर करो। अब गाइस हमारे पड़ोसी ने हमें डब्बा दिया है मिठाई का, खोलिए हम खोल के दिखाएंगे इसमें क्या निकलेगा। ठीक है खोल। खोलना पराठा खा लूं। तो गाइस देखो सानवाज डब्बा खोल रहा है। डब्बा भी ना खुल लिया। मिठाई मजा ही मजा। मैं खा के बताते हूँ, मैं रोटी खा लूँ। देखो ये दी 2 रसगुल्ले काले वाले, 1 सफेद वाला, और ये पता ना कौन कौन सी मिठाई बन कर दूँ। गाइस देखा आपने, हमारे पड़ोसी ने मिठाई दी, हमने मिठाई भी आपको दिखाई। अब मैं खाना खा के मिठाई खाऊंगी और फिर आपको टेस्ट बताऊं कैसी लगी। तो गाइस बताइए मैं कौन सी खाऊं। जो वाली मिठाई मत लेना मेरी है। तू भी बता दे भाई अपनी चॉइस। ये वाली ना खाऊं? ये वाली और ये वाली ना खाऊं? हाँ। बाकी ये नगमा, क्योंकि दोनों तेरी और की सब मेरी, कोई सी मत खा लेना इन सब में से। दो काले वाली और ये, तो डिमांड ही बढ़ाया जा रहा है। मेरी एक ये वाली है, एक ये वाली है। अरे बहन भाई ये दोनों बेकार हो तुम तो। नहीं मेरी देखो एक तो ये है और एक ये वाली। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं ये खाऊं। रुक जा, तेरी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। हाँ। और कुछ? अरे ये भी तो हो गया एक, मैं पहले उठा लू भाई नीयत डुलने से पहले। तो गाइस देखो मैंने ये उठाई है अपने अपने लिए, ये वाली मिठाई मैं टेस्ट करके बताऊं। गाइस मिठाई ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, चंदर मुबारक। गाइस मजा आ गया, मजे ही मजे। बढ़िया लगी भाई। क्या कहते हैं, एक और खाऊं या बाद में खाऊं? बोलो तुम बताओ, जैसा खाओ ऐसे कर लेंगे। चलो आधी तो खाई लूँ, किसी और मिठाई सड़ देगी। चटनी सड़ू भी सड़ू भी लग रही है। मत का पहली वाली दी है मैं, दूसरी नहीं। कह रहा हूँ चटनी देख लो, सही हुई तो खा लूँ। मजा आ गया मजा। देखो डब्बा दिखाओ। थोड़ी सी वाली भी खाई मैंने, थोड़ी सी वाली खाई यहाँ से, थोड़ी सी वाली यहाँ से खाई, वाली थोड़ी सी यहाँ से खाई, बस ये सब खाली। बहुत मजा आया। अब नगमा खाने जा रही है, देखो नहीं मन कर रहा, ये खा ले थोड़ी सी, मजा आ जाएगा। लो लीली खा ले। वैसे सुबह में जल्दी भागना, चांद रात है। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। गाइस देखो सानवाज बहुत सस्पेंस में खड़ा हुआ है।
ये देखो मैं कौन सी लूं, जो तूने डिसाइड करी वही ले, ले लाके नक्की कर। ऐसे सब तो अच्छी लग रही है, सब अच्छी लग रही है भाई, पूरे डब्बा रख ले, रात भर खाते रहिए। तो गाइस देखा आपने, शाहनवाज ने लिए ये वाली मिठाई, तोड़ेगा कब? तोड़ तो उसकी तरह कर रहा है वो, कौवा बिरयानी। बहुत बढ़िया, ये देखो, ये देखो, खाओ। आ रहा हूँ। और खा के बताओ टेस्ट। हाँ मजा आ गया, मत कर। तो गाइस अब हम इसी के साथ अपना करते हैं यहीं पे ब्लॉग एंड। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके बाय, गुड नाइट, हैप्पी चांद रात, ओके।